आज एक अलग ही उत्सव है। आज 1 जनवरी है, 2024 का पहला दिन है, पहला सूरज निकल चुका है। तमाम जो दुनिया के देश हैं उनमें भारत सहित तमाम जो देश हैं वो एक खुशी जाहिर कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, नए साल का जश्न मना रहे हैं। हाल फिलहाल हम खड़े हैं जयपुर के बाइसगुदाम स्थित क्रिस्टल पंप के सामने, जहाँ पर एक बहुत ही शानदार पहल की गई है। यहाँ के जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा शराब की जगह नशा मुक्त बनाने के लिए, भारत बनाने के लिए शराब की जगह दूध से आगाज करवाया गया है। पब्लिक को दूध पिलाया जा रहा है, तकरीबन 300 किलो के लगभग ये दूध यहाँ पे वितरित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे गिलास जो हैं लग चुके हैं और जल्द ही इनमें दूध आ जाएगा। पीने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है, यहाँ पर पब्लिक इंतज़ार कर रही है बारी बारी से। हम कुछ जो मैनेजमेंट है यहाँ का, उनके व्यक्ति हैं, आदमी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उद्देश्य है, क्या मोटिवेशन है उनका, क्या संदेश देना चाहते हैं वो। सर सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा मैं, क्या दूध के शुरुआत की आप नए वर्ष की, क्या पूरा मोटिवेशन है? सबसे पहले तो आपको आपके चैनल के माध्यम से नए साल की शुभकामनाएं, और हमें इसी चीज़ को देखते हुए किया है कि ठीक है 31 के बाद लोगों को एक मोटिवेशन करें दूध पिला के, कुछ ऐसी चीज़ें ताकि उनमें कुछ गलत हैबिट है या रूटीन है उनको छोड़ें और अच्छे तरीके के लिए वो चीज़ आए। तो ये चीज़ें हमने पहल की है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे लोग इस चीज़ की तरफ रुझान करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कितना लगभग दूध यहाँ पे वितरित किया जाएगा? सुबह से 30-40 किलो कंज्यूम हो चुका है और ये पूरे दिन का चलता रहेगा। ये हमारा टारगेट पूरा है 400 किलो पूरे दिन के। मैनेजमेंट है 400 किलो दूध को वितरण करने का टारगेट इनका है, शाम तक चलता रहेगा। सुबह सर कितने बजे सुबह शुरू है? सुबह सर ये 8 बजे चालू कर दिया था हमने और ये शाम को 7 बजे तक चालू रखेंगे। बिल्कुल शाम को 7 बजे तक चालू रहेगा, यानी कुल मिला के 11-12 घंटे दूध वितरण किया जाएगा। 400 किलो लगभग दूध जो है वो बांटा जाएगा पब्लिक को। सर आपसे जानना चाहूँगा क्या पूरा यहाँ पे नशा मुक्त भारत बनाने की कोशिश की जा रही है, एक संदेश दिया जाना चाह रहा है? एक्चुअल में सर क्या कि हर आदमी नशे की तरफ जा रहा है और हम चाहते हैं कि जिस तरह मोदी जी ने चाय बनाई थी और सरकार लाई थी उसी तरह बीजेपी आई है। हम दूध से स्वागत करते हैं बीजेपी का और हम चाहते हैं दुनिया में नशा मुक्त भारत बने और कोई भी आदमी नशे की तरफ बनी जाए। इसी साथ धन्यवाद। बिल्कुल साफ संदेश दिया, अच्छा संदेश दिया है कि नशा मुक्त भारत बनाने का प्रयास किया यहाँ पे किया जा रहा है, दूध से आगाज किया जा रहा है। युवा जो नशे की गर्त में है उनको एक संदेश यहाँ से मिल रहा है कि शराब और जो नशे की चीज़ें हैं उनसे दूर रहें। दूध के साथ उन्होंने नया वर्ष का आगाज किया है। सर आपसे जानना चाहेंगे अभी तक कितना लीटर दूध आपने दे दिया? अभी तक करीब 100 kg करीब दूध खपत हो चुका है और हमारा शाम तक का टारगेट है 400 से अबव लीटर दूध। और हम चाह रहे हैं कि जो आजकल की जनरेशन है, आजकल की जो जनरेशन है वो नशा किसी भी प्रकार का, तो हम चाह रहे हैं कि एक डेट होती है नव वर्ष दीपावली या ऐसा, तो हमने 1 तारीख को ये चूज किया जनवरी को 31 को नशा मुक्ति केंद्र को दूर करने के लिए कि हम शुरुआत 1 जनवरी दूध से करें। यह हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया और हमने आज सुबह से इसका प्लान बना के इसको फॉलोअप किया। संदेश दिया है कि 31 जो दिसंबर होता है उसको कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की है कि लगातार जो युवा है वो नशे की गर्त में आते हैं, नशा करते हुए वो कहीं ना कहीं अपना नए साल का जश्न मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। दूध लगातार वितरण किया जा रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे कितना लीटर दूध है जो आप टारगेट बना रखा है? 400 लीटर दूध है। क्या मोटिवेशन है आपका, क्या मोटिव, क्या देना संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है दारू छोड़ो, दूध पियो, बस ये पूरे साल नए साल के सभी भाइयों को शुभकामना। और हम कहना चाहते हैं सभी भाइयों से दारू शराब छोड़े और दूध का इस्तेमाल करें सभी भाई लोगों। देखिए ये यहाँ पे जो मैनेजमेंट था उन्होंने 400 लीटर दूध पिलाने का टारगेट रखा है, शाम तक चलता रहेगा। तमाम जो जनता है पीने वालों की लाइन लगी हुई है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपके पास आना चाहूँगा, आप दूध पीने आए हैं? दूध पीने आए हैं जी। क्या संदेश मिला आपको? मेरे को यही संदेश मिला है कि नई शुरुआत दारू वगैरह सबको छोड़ के लोगों को नई चीज़ से मीठे से दूध से करनी चाहिए और नए साल में जो भी गंदे लक्षण है सबको छोड़ देना चाहिए दारू में सब। बिल्कुल युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक चीज़ है ये, विशेषकर युवा, वो युवा जो लगातार नशे की गर्त में जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, घर बर्बाद कर रहे हैं। तो कहने का ये दूध व जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है महिमा ग्रुप मैनेजमेंट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकता है। कैमरा पर्सन संजय संजवा के साथ संदीप अरवाल, नगरी मीडिया जयपुर।